बुलंदशहर के सिकंदराबाद NH 91 पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि हादसे का शिकार हुए कार सवार लोग गाजियाबाद से एटा जा रहे थे। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को गाड़ी से निकाला और सिकंदराबाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि पुलिस ने पंचायत नामा की कार्रवाई के बाद मृतक के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हम रास्ते में आ रहे थे, अचानक से ट्रक में हमें पता नहीं लगा, मैं तो पीछे बैठा था, अचानक से एक धड़ाका हुआ जिससे ट्रक से पीछे लगी है गाड़ी। 6 लोग थे, गाजियाबाद से आ रहे थे, एटा जा रहे थे। सब एटा के निवासी? हाँ, एटा के सारे घायल हैं, एक की ज्यादा गंभीर हालत है, वो अभी गाड़ी में फंसे हुए हैं। वही हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया है। Time 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।